वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का मेरा पोर्टफोलियो वीडियो आ गया है, और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, मैं अपना रोज़ आपको आप लोग के साथ पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। जो भी अप्स डाउन्स मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अभी मार्केट चूँकि बहुत डाउन चल रहा है, इसलिए मेरा भी पोर्टफोलियो बहुत निगेटिव में जा रहा है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कितना निगेटिव जा सकता है आपको आइडिया होना चाहिए, कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपका पोर्टफोलियो बहुत निगेटिव में जाएगा। इससे आपको पैनिक नहीं होना है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट नहीं है। हमेशा आप लोग को कम से कम 10 साल वेट करना होगा। 10 साल के बाद आप लोग को देखने लगेगा आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने लगेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जो म्यूचुअल फंड में आप आए तो लॉन्ग टर्म के लिए है। और जो अभी बेस्ट टाइम है, अभी आप लोग लमसम कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं करिएगा। अभी लगभग 20% आप लोग चाहते हैं तो लमसम कर सकते हैं। इतना लमसम करने का अभी सही टाइम है, क्योंकि मार्केट कुछ डाउन चल रहा है। और आपको जो है चार जून तक आपको मार्केट ऐसे ही डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट जो है 4 जून के बाद अगर सेम सरकार बनती है तो मार्केट बहुत बड़ा उछाल लेना शुरू कर देगा। तो ये एक चांस है आप लोग को म्यूचुअल में इन्वेस्ट करने का। और कौन कौन से फंड है लास्ट में मैं बता दूंगा, 4-5 फंड ऐसे फंड जो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपकी टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और मेरा अगर अभी बात की जाए तो 15,000 का SIP चल रहा है, और इसको 10% से मैं इंक्रीज करूँगा हर साल। तो ये मेरा SIP है, और जब भी मार्केट डाउन होता है तो मैं लमसम भी करता हूँ। और कल तो मार्केट थोड़ा डाउन शुरू में हुआ था, लेकिन फिर शुरू में डाउन होते होते फिर ऊपर छलांग मार दिया, अब की ओर चला गया। कितना मैंने लमसम कल किया वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और मैं अपने स्टॉक्स के बारे में दिखा दे रहा हूँ। पहले तो मेरे स्टॉक्स 20 म्यूचुअल मतलब स्टॉक्स लिए हैं मैंने, और उसका आप लोग 1,72,000 जो था 1,74,000 के आसपास हो गया है। और ये स्टॉक्स कल का जो मेरा निगेटिव देख लीजिए कितना गया है, 1,872 सिर्फ कल निगेटिव गया है मेरा। तो ये था कल का निगेटिव, इसलिए मार्केट अभी बहुत डाउन चल रहा है। मेरे पोर्टफोलियो से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे जो मैं तो रोज़ शेयर करता ही हूँ, ये सब मेरे शेयर हैं जो मैंने लिया है। सारे रेड ही जोन में आप लोग को दिख रहे होंगे, सारे रेड हैं, क्योंकि बहुत डाउन चल रहा है अभी मार्केट। आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब जो मैंने स्टॉक्स लिए हैं, ज़्यादातर मैंने स्टॉक्स जो है लार्ज कैप के ही स्टॉक लिए हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो मैंने देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं कल, क्योंकि मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं गया था, तो 4,000 का मैंने लमसम कर दिया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी प्लान में। और टोटल मेरा अभी फंड मैंने लिए हैं 7 फंड। ज़्यादा फंड पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, मैं आपको कितना बार बोल भी चुका हूँ, तो ज़्यादा फंड नहीं रखिएगा अपने पोर्टफोलियो में। टोटल मेरा अगर इन्वेस्टमेंट 2,40,000 के आसपास है, और 2,43,527 रुपया अभी मेरा करेंट वैल्यू दिख रहा है। टोटल रिटर्न की बात की जाए तो 3,529 रुपया है। और फंड की बात की जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ PSU फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, पराग पर एक फ्लैक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये सब मेरे फंड्स हैं जो मैंने लिया है। तो मैं SIP दिखा दे रहा हूँ। पराग पर एक फ्लैक्सी कैप में 1,500 का है, क्वांट स्मॉल कैप में 4,000 का है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,500 का है, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 का है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 का है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2,000 का है। तो ये सब SIP चल रहा है। अब अगर लमसम आप लोग करना चाहें तो किस फंड में लमसम कर सकते हैं? तो लमसम करने के लिए आप लोग अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो क्वांट में कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक स्मॉल कैप का मैं क्वांट बता दूंगा, एक पराग पर एक फ्लैक्सी कैप में ज़रूर कीजिएगा,
आप लोग, और HDFC मिड कैप और HDFC मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये दोनों में से कोई एक में आप लोग करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये सब जो है बहुत अच्छे फंड्स हैं। मैं बोलूँगा मोतीलाल ओसवाल में आप लमसम कर सकते हैं, बहुत अच्छा हमको ये फ़ंड लगता है। तो ये सब फंड है, आप लोग इसमें अगर चाहे तो कर सकते हैं अपना लमसम। तो ये था तीन मैंने बताया, एक क्वांट स्मॉल कैप, एक फ्लैक्सी कैप में पराग पर एक फ्लैक्सी कैप, और एक मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मैंने बताया। एक लार्ज कैप में अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आज का जो फंड था, मैंने बता दिया आप लोग को, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।